तो ये जो मुस्लिम स्पिरिचुअल परिवार है उसमें कुछ एक सदस्य तो ये हैं जो कहते हैं कि सियासत हमारे लिए बनी नहीं, हमको सियासत में नहीं जाना चाहिए। कुछ एक लोग ये हैं वो हैं जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी हैं जिन्होंने कहा कि हमने बहुत समर्थन किया लेकिन हमको वो हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अब जरा इसकी हकीकत समझ लें प्रदीप जी, ये चल क्या रहा है और इसका कल्मिनेशन क्या होगा? नहीं दिनेश जी, बड़ी साफ बात है, देखिए ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट ट्रंप कार्ड की तरह है। अगर मुस्लिम वोट में बंटवारा होता है तो उनके लिए जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है, आज घोषणा होगी, ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए वो पिछले 5 साल 10 साल से जो काम कर रही हैं उसके बाद अगर उसमें बंटवारा हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जो नेता गए हैं तृणमूल से बीजेपी में उससे भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर आपका जनाधार खिसकता है, नेता खिस सकते हैं तो जरूरी नहीं होता कि पूरा जनाधार जाए, लेकिन जनाधार में जब सेंध लगती है तब बड़ी मुश्किल होती है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोट बहुत बड़ी अहम चीज़ है। अगर उसमें बंटवारा होता है, ये फुरफुरा शरीफ वाले जो अभी आपने बताया अलायंस, उनका सीपीएम से उनकी बात हो गई है, कांग्रेस से बातचीत चल रही है, उस अलायंस में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वोटों में बंटवारा होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वोटों का बंटवारा होगा, उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी कुछ भी करेंगी। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर जो कि बंगाल भी घूमकर आ चुके हैं और यहां से आपको हर दिन खबरें बता रहे होते हैं क्या चल रहा है सियासी जगत में, उनके पास हम चलते हैं। ये कहा गया बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि 2019 के जनरल इलेक्शन में इन्होंने जो लोकसभा की सीटें जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हमारे वोट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारा इंटैक्ट था, लेफ्ट का और कांग्रेस का वोट इन्होंने खींचा। क्या इस बार ये जो एक नया सिनेरियो बन रहा है सेकुलर फ्रंट के साथ जो बात इनकी बनती हुई नजर आ रही है उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का वोट इंटैक्ट नहीं रह जाएगा, ये चिंता है क्या तृणमूल कांग्रेस को? देखिए दिनेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जो वोटों का बंटवारे की बातचीत चल रही है, चाहे फुरफुरा शरीफ की बात है, लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस की बात है, या ममता बनर्जी का अपना सेपरेट चुनाव लड़ने की बात है, माइनॉरिटी वोट बैंक कैसे उनके पास है उसकी बेचैनी इन तीनों चारों दलों में है, और उसको लेकर निश्चित तौर पे ये दल आपस में स्टेक क्लेम करना चाहते हैं, उसके लिए अलायंस भी करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात ममता बनर्जी ने कहा और आप जो कह रहे थे, निश्चित तौर पे बीजेपी ने अपना एक अलग वोट बैंक क्रिएट किया है, और वो वोट बैंक वही है जो कभी लेफ्ट को मिलता था, कभी कांग्रेस को मिलता था, या वो वोट बैंक वही है। ठीक है, आमोद एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। मेरे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।